गंज मासूदा शहर में पटाखा बाजार नए स्थान पर लगाए जाने का विरोध हो रहा है। पूरा शहर पटाखा बाजार के खेल ग्राउंड पर लगाए जाने के विरोध में है, तो प्रशासन उसी स्थान पर बाजार लगाने पर अड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन खुद मान रहा है कि नए बस स्टैंड पर पटाखा बाजार इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वहाँ अतिक्रमण है। इस वजह से SGS ग्राउंड पर पटाखा बाजार लगाना तय किया गया है। SDM राजेश मेहता की यह बात हास्यास्पद लगती है। शहर का सब डिवीजन मालिक अतिक्रमण को हटाने में सक्षम है, फिर भी इस तरह की बात की जा रही है। शहर के SGS कॉलेज का ग्राउंड पर युवा आर्मी पुलिस सहित कई भर्तियों के लिए सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रशासन उनकी इस प्रैक्टिस पर विराम लगा रहा है, इसलिए ही AGS ग्राउंड पर पटाखा बाजार लगाए जाने का विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरस्वती छात्र संघ ने SDM को ज्ञापन भी दिया। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये मेला ग्राउंड में ज्यादा अतिक्रमण होने के कारण वहाँ से शिफ्ट किया गया था, उसमें प्रिंसिपल से NOC भी लिया गया है, थानेदार और तहसीलदार से NOC ले लिया गया है। अब बच्चे लोग को कुछ परेशानी है तो चर्चा करके उसका निराकरण करेंगे हम लोग। ठीक, यानी प्रशासन पर अतिक्रमणकारी इतने भारी पड़ रहे हैं कि लाचार होकर बच्चों के खेल मैदान का प्रशासन आतिशबाजी का मैदान बना रहा है और अतिक्रमण वो कुछ दिन की व्यवस्था है, परमानेंट नहीं है। अभी कॉलेज बंद था इसलिए उसका सिलेक्शन किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर किया जा चुका है बस स्टैंड पर। सर, क्या कारण है कि बस स्टैंड पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बस स्टैंड पर अतिक्रमण हो गया, उसमें नोटिस जारी किया गया, हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, खुद भी प्रभावित नहीं होगा। क्या कर रहे हैं, चर्चा करके करेंगे हम लोग। सर, पटाखा व्यवसायी भी कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पर कारोबार नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। पटाखे व्यवसायी स्वयं ऑनलाइन क्यों अड़ेगा सर, ऐसी क्या वजह है? वो जगह सिलेक्शन हो गया ऑनलाइन में, सभी व्यापारियों ने संजय गांधी कॉलेज को चयन भी कर लिया। प्रशासन ने जगह चिन्हित की थी ना ऑनलाइन, कोई वहाँ से तो ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन में सभी व्यापारियों ने सहमति दी है वहाँ पटाखे लगाने के लिए। बहुत दूर पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों को जाने में दुविधा भी होगी। अब शहर में जगह नहीं बचा तो क्या किया जाएगा, अगली बार हो सकता है बाहर भी लगे। हम लोगों ने यही चर्चा की थी कि अगर हमें कोई आश्वासन अब नहीं मिलता, SP सर ने कहा है अगर इस पर एक आध दिन में कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता तो हम पूरा एक संयुक्त सभी लोग कलेक्टर महोदय से भी मिलने जाएंगे इसी विषय, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम लोग भी तैयारी करके देश सेवा की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए हम ये लोग चाहते हैं कि ग्राउंड जो है वह स्थानांतरित किया जाए फटाखों के लिए, वो ग्राउंड तैयारी के लिए रहे, हम लोग तैयारी करना चाहते हैं जी। SD हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।